Hello, good morning, senior KG students. How are you all? Fine na? Chalo, aaj sabse pehle prayer kar lete. Everyone, join your hands, close your eyes. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarva Karyesu Sarvada. Thank you, Aishopan. Chalo, aaj main aapko एक स्टोरी सुनाती हूँ. सुननी है ना स्टोरी आपको? तो चलो रेडी हो जाओ सुनने के लिए. चलो एक मैं आज में कौन सी स्टोरी बताऊंगी? लायन और माउस की. तो देखो, एक बड़ा सा एक बिग सा फॉरेस्ट था. क्या था? बिग फॉरेस्ट था, यानी कि एक बड़ा सा जंगल था. उसमें मेनी एनिमल रहते थे, यानी कि बहुत सारे एनिमल रहते थे. तो उसमें कौन था? जंगल का फॉरेस्ट का किंग था. कौन? लायन था. वो लायन फॉरेस्ट का किंग था, यानी कि लायन था वो फॉरेस्ट का राजा था. तो वो लायन क्या कर रहा था? सभी को बहुत परेशान कर रहा था, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था सभी को. तो एक दिन क्या हुआ कि जब लायन है ना अपनी गुफा में बैठकर सो रहा था, तो बैठे बैठे सो रहा था, तभी एक माउस ने उस माउस को लगा कि वहाँ निकला माउस. तो उसने देखा कि ये चलो तो ये लायन भाई सो रहा है, चलो तो मैं देखूँ तो सही कि कैसा है वो जंगल का राजा, कैसा होता है. तो वो उसके पास आए तो लायन की आइज तो क्लोज थी और मुंह खुला था. तो माउस को लगा, उसका मुंह देखा तो उसके बड़े बड़े टीथ थे. तो उसने लायन माउस को लगा कि सच में ये तो जंगल का राजा ही हो सकता है, कितना बड़ा उसका टीथ है, देखो उसका कितना बड़ा बॉडी है, उसका कितना बड़ा शरीर है, रियल में ये जंगल का राजा है, लायन ही हो सकता है. तो उसने देखा कि चलो मैं उसकी डेन यानी गुफा देख के आता हूँ कैसी. तो वो धीरे से उसके पास से अंदर गुफा की तरफ आगे बढ़ा. तो तब तक वहाँ वो लायन की ऐसे ओपन हो गई, खुल गई, आँख खुल गई. तो उसने देखा कि ये माँ से वो क्या कर रहा था, तो उसकी डेन में जा रहा था, उसकी गुफा में जा रहा था. तो लायन ने उसे पकड़ लिया. तो माउस तो वो ऐसे बोलने लगा कि सॉरी सॉरी, मैं अब मुझे छोड़ दो, मैं आपकी गुफा में नहीं जाऊँगा, आपकी डेन में मैं नहीं जाऊँगा. तो लायन ने बोला, क्यों मेरी डेन में क्यों जाना था तुम्हें, क्यों आए थे मेरे घर में देखने के लिए? तो चूहे ने बोला, नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे देखने के आया था कि इतना बड़ा जंगल का किंग है, जंगल का राजा है, तो उसका घर कैसा है वो देखने के लिए मैं आपके घर के अंदर देखने के लिए जा रहा था. तो लायन ने बोला कि अभी तो ये शिकार खुद मेरे पास शिकार होने के लिए आया, यानी कि ये शिकार होने के लिए खुद आया, यानी कि आज तो मुझे बहुत मैं तुमको खा जाऊँगा, मुझे भूख लग गई, तो आप सामने से मेरे पास आए वो, उसने ऐसा बोला. तो वो माउस तो डर गया, तो वो ऐसे बोलने लगा, सॉरी सॉरी, आप मुझे छोड़ दो, मैं आपके बहुत काम आऊँगा. तो लायन बोला कि लायन हंसने लगा, लाफिंग करने लगा. उसने बोला कि आप क्या मुझे काम में आओगे, आप तो इतने छोटे हो, मैं इतना बड़ा हूँ और आप मुझे कौन से हेल्प करोगे? वो उसने बोला, माउस ने बोला, मैं आपको संकट समय में आपको मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, आप मुझे छोड़ दो. तो लायन ने बोला, चलो ठीक है, आज तो मेरा पेट भी बहुत भरा है, तो मैं चलो आज आपको एक बार मैं छोड़ देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ, तो अब दूसरी बार ऐसा मत करना. तो माउस ने बोला, ओके ओके, थैंक यू करके माउस तो वहाँ से चला गया. फिर शेर जंगल में यानी कि फॉरेस्ट में निकला अपना शिकार करने के लिए, खाना ढूंढने के लिए निकला. तो वो शिकार कर लिया, फिर वो उसको प्यास लगी थी, तो वाटर ढूंढने के लिए वो कहाँ गया, तो रिवर के पास गया, नदी थी, तो रिवर के पास जाकर उसको वो पानी पीने लगा लायन. तो तभी एक जंगल में एक हंटर आया. हंटर मीन्स शिकारी. शिकारी क्या करता है कि जो एनिमल होते हैं ना उसके ऊपर जाल बिछा देते हैं ताकि एनिमल पकड़ा जाए. तो हंटर आया तो उसने देखा कि ये एनिमल तो पानी रिवर में पानी पी रहा है, वाटर ड्रिंक कर रहा है. तो उसने बोला, उसने उसके ऊपर जाल बिछा दी. ऐसे जाल बिछा दी तो लायन पैक हो गया जाल में, नेट में पैक हो गया. तो उसके ऊपर जाल आ गई तो वो चिल्लाने लगा, ऐसे लायन आँखा
जोर जोर से चिल्लाने लगा तो पूरे फॉरेस्ट में उसकी आवाज़ आने लगी। तो वो आवाज़ वो माउस ने सुनी, माउस ने सुनी, उसने लगा कि ये तो जरूरी है, किंग की आवाज़ है, हमारे किंग है ना लायन, उसकी आवाज़ है। तो उसने उसके फ्रेंड को सबको बुलाया कि चलो, तो मेरा फ्रेंड है लायन, वो मुसीबत है, हम देखने जाए मुसीबत में, हम उसको देखने के लिए जाए, उसको क्या मुसीबत है। तो वो उसका फ्रेंड लेकर वो वहाँ गए, ढूंढते ढूंढते तालाब के रिवर के पास गए ना, तो रिवर के में लाइन पिंज वो जाल में पड़ा था। फिर वो तो माउस ने वहाँ जाके उसकी नेट काट दी और देखा कि हंटर तो बैठा है, दूर बैठा है, तो उसका जब ध्यान नहीं था तब उसने नेट काट दी, तो लाइन उसमें से बाहर निकल गया और थैंक यू बोला माउस के, थैंक यू, आप मुझे बहुत काम आए, और डांस करने लगा। तो वो हंटर का ध्यान वहाँ पड़ा कि ये तो लाइन निकल गया है, चूहे ने तो नेट काट दी, तो हंटर तो भी गया, उसको तो डर लग गया, तो वो तो इसे भाग गया। वो बोला कि उसको लगा कि ये लायन तो नेट में से निकल गया तो अब मुझे खा जाएगा, इसलिए वो वहाँ से चला गया। तो उसको वहाँ से चला गया तो उसको देखकर लायन बहुत खुश हुआ और वो माउस को थैंक यू बोलने लगा कि मुझे लगा था कि आप इतने छोटे होकर मेरा क्या काम करोगे, तो आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, आपने तो मुझे बहुत बड़ी हेल्प की। तो देखा बच्चों, हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि बेस्ट फ्रेंड कैसा होना चाहिए, माउस जैसा। इसलिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, फ्रेंड हमेशा फ्रेंड ही होता है, तो छोटा होता है वो भी मदद कर सकता है। ओके, तो ऐसे बेस्ट फ्रेंड का होना चाहिए माउस जैसा, और आपको भी माउस जैसा बनना, किसी का ब्रेड फ्रेंड बनना है तो माउस जैसा बनना। ओके ओके बच्चों, मज़ा आया ना स्टोरी में, तो ओके अगले वीडियो में कुछ नया सिखाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।